नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमएस वर्ड के एक बेहतरीन फीचर के बारे में जो कि आपका एमएस वर्ड के 2019 वर्जन में आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इंसर्ट टैब के अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन वीडियोस का। इस ऑप्शन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर पहले से ही एक वीडियो को इंसर्ट किया हुआ है इसी ऑप्शन की मदद से, जिसमें आप YouTube के माध्यम से किसी भी वीडियो को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। जैसे इस प्ले बटन पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारे सामने इस तरीके का एक आइकन नज़र आ जाएगा, वीडियो हमारी प्रेजेंट हो जाएगी और इस प्ले बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारी वीडियो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। बात करते हैं जिसकी R3D हमारी क्या होती है। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस सभी डेटा को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से डिलीट बटन दबा देता हूँ जिससे हमारा डेटा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कोई भी पैराग्राफ या इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कमांड चलाई RANT की और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने यहाँ पर पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। और अब इस पैराग्राफ के बीच में मैं कहीं चाहता हूँ कि मेरी एक वीडियो रिप्रेजेंट हो, तो जब भी मैं उस वीडियो को प्ले करूँ तो YouTube पर ना जाते हुए मुझे यहीं पर ही वो वीडियो प्ले होकर दिखाई दे। तो इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें जाना होगा ऑनलाइन वीडियोज़ वाले फीचर पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आएगा इंसर्ट अ वीडियो का। यहाँ पर आपको URL डालना है अपनी वीडियो का, जिस वीडियो को आप यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम चले जाते हैं YouTube पर और YouTube पर हम कोई भी वर्ड टाइप कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया GST। GST जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएंगी, जिसमें से हम यहाँ पर अपनी वीडियोस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जैसे GST वाली वीडियो को क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारी ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो जाएगी और इसके बाद इसके लिंक को यहाँ से हम सिलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी कर सकते हैं या तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं वापस से एमएस वर्ड के ऊपर और यहाँ पर उस लिंक को हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पर इंसर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो वीडियो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी और इसके बाद आप चाहें तो इसके साइज़ को यहाँ से अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो को आप अपने हिसाब से जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें इसे मूव करा करके आप वहाँ पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस वीडियो को यहाँ पर रख दिया और अब इसको प्ले करना चाहते हैं तो इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पर लोड हो जाएगी और लोड होने के बाद जैसे इस YouTube वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ से प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से इस फीचर का आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।